हाय गाइस, मैं हूँ मोनिका। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। आज हम बड़ा ही इजी मैंगो डिज़र्ट बना रहे हैं। आप इसे मैंगो पुडिंग कह सकते हैं, मैंगो मूज कह सकते हैं। इसके लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लानी जो घर पर नहीं रखी। ये हमारे प्यारे से डिज़र्ट की दोस्तों खासियत यह है कि इसमें एक प्यारी सी पोटली होगी, छोटे छोटे आम होंगे, ऊपर टेस्टी सा ग्लेज होगा मैंगो का, और बनाना बहुत बहुत आसान होगा। तो चलिए सोचते क्या है, बना लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए खूब सारा आम चाहिए। देखिए, आम मैंने पहले छील कर उसका पल्प निकाल कर रखा हुआ है। इसे हम बाद में मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। साथ ही एक और पका हुआ आम ले लेंगे, थोड़ा सा उसके हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। और मार्केट से आप फ्रेश क्रीम ले आइए, नहीं तो घर पर रखी ताज़ी मलाई को भी आप फेंट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीनी है, इसे मैंने पीस लिया है, तो आपको पाउडर्ड शुगर यानी पीसी हुई चीनी की ज़रूरत लगेगी। तो ये तीन चार चीज़ें, इससे बड़ा डिज़र्ट बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आम का हमने पल्प निकाल कर अलग कर लिया, और एक और आम मैं ले रही हूँ जिसके हमने छोटे टुकड़े निकालने हैं। आम के छोटे टुकड़े निकालना बहुत आसान है और मज़ा भी बड़ा आता है उसे काटने के लिए। देखिए, आम को इस तरह से आप छिलके के साथ काट लीजिए, और फिर इसमें आप लंबे लंबे पहले निशान लगाइए, कट्स लगाइए इस तरह से लंबाई में। फिर आम को घुमा लीजिए इस तरह से, पहले आपने कट लगाए लंबाई में, अब इस तरह से घुमाकर फिर से कट लगाइए। जितने छोटे आप लगाएंगे उतने छोटे टुकड़े निकलेंगे। देखिए, पूरे आम में मैंने इस तरह से कट्स लगा लिए। अब चम्मच से आप इस तरह से स्कूप कीजिए तो आम के छोटे छोटे टुकड़े निकाल लीजिए। तो आप एक कप के करीब इस तरीके से आम के टुकड़े भी निकाल कर रख लीजिए। इस तरीके से मैं और भी आम काट लूँगी, तो ये आम मैं अलग से काट कर फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैंगो पल्प को हम मिक्सी में डालकर ब्लेंड करेंगे। तो आप मिक्सर का जार लीजिए, ब्लेंडर जार, उसमें मैंगो पल्प ऐड कीजिए। अब हम ढक्कन लगाकर इसे खूब अच्छे से बिल्कुल स्मूथ प्यूरे कर लेते हैं। देखिए, हमने मैंगो पल्प इस तरीके से बहुत अच्छे से स्मूथ ब्लेंड कर लिया है। अब आधा कप के करीब मैं मैंगो पल्प जो है निकाल लेती हूँ, बाकी मैं मिक्सर जार में ही रहने दूंगी क्योंकि इसमें हमने और चीज़ें मिक्स करनी है। तो ये मैं ग्लेज बनाऊंगी मैंगो का, इसके लिए थोड़ा प्यूरे मैं निकाल रही हूँ। आधा कप के करीब मैंने प्यूरे निकाल लिए, इसे एक तरफ रख लेते हैं क्योंकि इसे हमें बाद में ग्लेज बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत ही ईजी चीज़ है, आपको बस इसी स्टेप्स को फॉलो करना है। आप क्या करते हैं, जो मैंगो का प्यूरे बचा हुआ है हमने जार में 3 से 4 कप के करीब है, उसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करें क्योंकि मिठास अच्छे से रहे। कोई डिज़र्ट खाएं, कई बार आम बहुत मीठे नहीं होते, थोड़े खट्टे होते हैं, तो पिसी हुई चीनी ऐड कीजिए, पाउडर शुगर। और अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। इलायची का फ्लेवर आप दें, पिसी इलायची आप ऐड करें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे क्रीमी टेक्स्चर देने के लिए मैं अमूल फ्रेश क्रीम जो मैंने मार्केट से लिए ऐड करी हूँ, घर की मलाई ताज़ी दूध से उतार कर भी आप इसमें डाल दीजिए, साथ में ब्लेंड हो जाएगी। तो 3 बड़े चम्मच मैंने मलाई ऐड की है, ऐड की है मार्केट वाली। अब ढक्कन लगाकर हम इन चीज़ों को फेंट कर एक स्मूथ सा आम ब्लेंड करके प्योरे बनाएंगे, बहुत अच्छा जैसे कस्टर्ड बन जाएगा। देखिए, मैंगो को मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है ताकि इसमें एक एयर आ जाए और ये लाइट एंड फ्लफी हो जाए, बहुत टेस्टी भी हो और खाने में इसका टेक्स्चर बहुत लाइट हो। अब आप इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए और फ्रिज में रख देंगे इसे। अभी ये कस्टर्ड जैसा लग रहा है दिखने में, बिल्कुल थिक एंड क्रीमी हो गया ये, और बहुत ही टेस्टी भी है। चीनी भी ऐड किए, क्रीम भी ऐड किए, इलायची से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ गया। इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम दूसरा जो हमारा स्टेप रहता था, जो हमने मैंगो ग्लेज बनाना था, उसको देखते हैं। देखिए, आधा कप के करीब मैंने मैंगो प्यूरी निकाली, आप ज़्यादा भी निकाल सकें, ज़्यादा ग्लेज बनाना हो। इसे हमने थोड़ा सा बस पकाना है चीनी के साथ। देखिए, गैस पर मैंने पैन रखा हुआ है, इसमें ऐड कर देते हैं मैंगो का प्यूरे जो हमने बनाया था, और इसे हमने पकाना है थोड़ी चीनी और पानी के साथ। देखिए, प्यूरे थोड़ा है, पकने लग गया है, गर्म हो गया है, तो भी बिल्कुल सूखता जाएगा, तो हमने सुखाना नहीं है। मैं इसमें पानी साथ ही ऐड करती हूँ, सादा पानी, सिंपल वाटर इसे ऐड करें। जैसे आधा कप में आप 1 कप पानी ऐड कर दीजिए। तेज़ आंच पर ये बॉईल हो रहा है, जैसे ही बॉईल होना स्टार्ट होगा तो मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी से ही इसमें जो है टेक्स्चर आएगा थोड़ा सा जैसे ग्लेज जैसा। तो 4 बड़े चम्मच मैंने चीनी, जो खाने के चम्मच होते हैं वो मैंने 4 चम्मच चीनी ऐड कर दिए। इसे 5 मिनट पकाइए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में तो चीनी घुल जाएगी, और बस और 3 से 4 मिनट चीनी के घुलने के बाद पकाइए और इसे छान लेंगे। देखिए, बन के रेडी हो गया। अब मैं इसे गैस से उतार रही हूँ। खाने में इसमें कोई लम्स या रेशे नहीं आए तो आप इसको एक बार ही छान लीजिए, किसी भी स्ट्रेनर से आप इसे अच्छे से छान लीजिए। देखिए, इसे इस तरीके से आप कंप्लीटली छान लेंगे तो इसका टेक्स्चर बड़ा स्मूथ हो जाएगा, किस तरह के लम्स या रेशे नहीं आएंगे। थोड़ा मैंगो ग्लेज भी तैयार है, इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ। दोस्तों, मैंगो का पोटली सरप्राइज बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें ब्रेड स्लाइसेस चाहिए। ब्रेड स्लाइसेस के मैंने किनारे कट रखे हैं, इनको कट करके एक तरफ रख दिया है। और थोड़ा सा दूध चाहिए जिसमें हम ब्रेड को डिप करेंगे। सिंपल दूध है, फ्रिज में से मैंने लिया है ठंडा, तो उसमें चीनी या कुछ भी नहीं डाला है। आप दूध की जगह पानी या फिर मैंगो जूस, फ्रूटी यूज़ कर सकते हैं।
पानी से भी आप बना सकते हैं। देखिए दूध में मैंने ब्रेड को डिप किया और हल्का हाथ से स्क्वीज किया कि ब्रेड टूटे नहीं, और जो आम के हमने छोटे छोटे टुकड़े निकाल कर रखे थे फ्रिज में वो भी मैंने निकाल लिए। और इसमें एक बड़ा चम्मच भर के मैंने ब्रेड में ये रख दिया। इसे अब मैं इस तरह से फिक्स कर दूंगा, मतलब इसको अच्छे से ब्रेड से कवर करके, हमें स्क्वीज नहीं करना, हमने कोई दबा कर उसको पकौड़े की तरह तलना नहीं, बस इसको सॉफ्टली आप बस कवर कर दीजिए। हमने आम के सभी टुकड़ों को इस तरह से ब्रेड में रोल कर देना है, कवर कर देना है, और ये हमारी पोटली बनके रेडी होगी। आप इस तरह से जितनी आपने बनानी है आप बना लीजिए। देखिए मैंने ऐसे पोटलीज बना ली हैं, तो ये तो बन गई है। अब हम अपने डिजर्ट को फटाफट से सर्व करते हैं। हमने सभी स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं। मैंगो की बहुत स्मूथ ब्लेंड करके प्यूरे बना लिए हैं और थोड़ी प्यूरी का हमने मैंगो ग्लेज बना लिया है। देखिए इतना अच्छा कलर आया इसका, हमने कोई ऊपर से कलर नहीं ऐड किया है। साथ ही हमारी पोटलियाँ जो हमने मंगाई थी वो भी रेडी है। तो किसी बड़ी डिश में इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे कटोरी में आपको अलग से करके बता रही हूँ। आप किसी बड़ी डिश में भी इसी तरीके से सेम प्रोसेस से आप सर्व करें। देखिए मैंने थोड़ी मैंगो ग्लेज लगा दी है पहले जो हमने सर्विंग बॉल है उसमें। अब उसमें मैंने रख दी है छोटी सी पोटली जो हमने मैंगो भरा हुआ है खूब सारा, इसमें मीठा मीठा, और ऊपर जो हमने मैंगो का मूज बनाया है, आप कह सकते हैं मैंगो का हमने क्रीमी कस्टर्ड बनाया है, वो मैं अब इसके ऊपर डाल देती हूँ अच्छे से। क्रीमी और लाइट है, इसे आप चम्मच से एकदम फ्लैट कर दीजिए। अब इसके ऊपर मैंगो ग्लेज डाल दीजिए, जिससे क्या है टेस्ट भी अच्छा आएगा और दिखने में बहुत ही अच्छी लगेगी, लगेगा ही नहीं कि आपने बनाई है मार्केट की लाएगी। अब बस इसके ऊपर आप थोड़े से पुदीने के पत्ते से इसे, या फिर आम के टुकड़े से, चेरी से आप, या फिर से बादाम से, जो भी मतलब आपको अच्छा लग रहा है जो घर पर रखा है उससे इसे सजा के सर्व कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा सा हमारा टेस्टी सा मैंगो का डिजर्ट बनकर रेडी है। बहुत ही आसान है बनाना, घर पर रखिए, वही इंग्रीडियंट है, कोई एक्स्ट्रा एसेंस कलर नहीं मैंने ऐड किया है। बहुत ही सिंपल लेकिन यूनिक रेसिपी है, जब कोई खाएगा ना अंदर कहेगा केक है या क्या है, समझ नहीं आएगा। इसे आप सर्व करने से पहले अच्छे से फ्रीजर में आधा घंटा ठंडा कीजिए, नहीं तो फ्रिज में आप ठंडा कीजिए। ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तो ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा, खाने वाले को मज़ा भी आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिज़र्ट बनाने का बहुत मन कर रहा होगा, ईजी भी है और टेस्टी तो होगा ही। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कटोरी में भी, देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपके कोई सिंपल बॉल है घर पे, कटोरी है, उस पर सर्व कीजिए, इस तरह सर्विंग बॉल में सर्व कीजिए, इसे अच्छा लगे सर्व कीजिए। देखिए अभी तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैंने ज़्यादा ठंडा भी नहीं किया है, और मैं आपको इसका टेस्ट लेके बता दें कितना क्रीमी लग रहा है और बहुत ही डिलीशियस होने वाला है। टेस्ट और फ्लेवर्स का एकदम बॉम है इसमें मैंगो का। खाते खाते जब इसमें बीच में मैंगो पोटली आएगी ना, खूब सारे आमों वाली मीठी मीठी पोटली, तो सब पूछेंगे यार केक है क्या है, समझ नहीं आ रहा क्या बनाया, तो आप मेरे वीडियो का ज़रूर बताइएगा उन्हें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी नई रेसिपीज लेकर, लेकिन आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे आप शेयर करना ना भूलिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।